सुंदर एपिसोड है कि धर्म और अध्यात्म। भाई और बहनों, आज से 40-50 साल पहले और उसके बहुत पहले चले जाएं या 50 साल पहले भी चले जाओ, तो धर्म और अध्यात्म एक ही बात था, क्योंकि व्यक्ति इतना तर्क नहीं करता था और विज्ञान भी इतना विकसित नहीं था। अभी 50-100 वर्षों के अंदर विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि व्यक्ति का माइंड तार्किक बन गया। तो तार्किक बनने के कारण व्यक्ति ने जो है जो धर्म की परिभाषा अलग कर दी, लोगों ने धर्म को संप्रदाय से जोड़ दिया, इसलिए धर्म बदनाम हो गया। धर्म को अफीम कहा जाने लगा और कहा जाने लगा कि धर्म के नाम पर जो युद्ध हुए, धर्म के नाम पर ब्लड शेड्स हुए और धर्म के नाम पर जो है विषमताएं पैदा की, लेकिन वास्तव में वो धर्म के नाम पर नहीं हुई है, वो हमारी भ्रांति है कि धर्म को हमने संप्रदाय बना दिया। देखिए, धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है। मैं धर्म की कुछ परिभाषा पहले आपको करना चाहता हूं तो आपको मालूम हो जाएगा, कि फिर मैं अध्यात्म की भी चर्चा करूंगा कि वो हमें अध्यात्म को धर्म से अलग करना पड़ा। तो धर्म की जो परिभाषा क्या है, पहली बारी परिभाषा है धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। वो मैंने और किसी सुविचार को धारण किया, मैंने किसी ईश्वर को धारण किया और मैंने किसी भी जो है शुभ कोटेशन को धारण किया, मैंने किसी विचारधारा को धारण किया, तो वह धर्म हो गया। देखिए, धर्म में अशुभ बात नहीं होती है, सारी बात शुभ की, यानी धर्म का पक्ष अच्छाई से है, इसलिए जो कोई भी बात की जाएगी वो धर्म का अच्छाई से पक्ष होगा। और अगर हम बुराई की बात करते हैं वो तो हमारा मनोरंजन है, मनोरंजन के अंदर सब चीज जायज है, उसमें राग द्वेष है, और जो धर्म है उसमें राग द्वेष को घटाने की बात है। राग द्वेष का उत्पन्न होना, स्वयं राग द्वेष होना, वो सारा मनोरंजन है और वो बुराई से जुड़ा, उसकी हम चर्चा नहीं करते। हमारे आत्मविज्ञान में बुराई की चर्चा नहीं होती, अच्छाई की चर्चा होती है, यानी शुभ भावों की चर्चा होती है और हमें शुभ से शुद्ध की ओर ले जाने की चर्चा होती है, जो कि एक शॉर्टकट है, उससे हमें जल्दी मुक्ति मिलती है। तो भाई और बहनों, धारयति इति धर्मः। दूसरा जो है धर्म की परिभाषा होती है कि जिसका जैसा स्वभाव है वो धर्म है, कि अग्नि का स्वभाव है वो जलना जलाना, वह उसका धर्म है। पानी का स्वभाव है शीतलता देना, वह उसका धर्म है। पानी के अंदर आप जो देखोगे ठंडे पानी मेरे हाथ जले, संभव नहीं है। अग्नि में आप हाथ डालो और कहो मेरे को ठंडक मिले, संभव नहीं है। एक नीम के पेड़ को 100 गणों से सिंचन किया जाए तो वह नीम कड़वा का कड़वा रहता। नीम भी उपयोगी है, क्योंकि इस दुनिया में अनुपयोगी कोई चीज नहीं है, अनुपयोगी हमारे राग द्वेष के कारण वो बनती है, इस थ्योरी को भी आप समझें। तो वह जो है अपनी जो है कटुता को नहीं छोड़ता, अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ता। और दूसरा रूप देखिए कि जो चंदन का पेड़ होता है उसके तने पे भुजंग लिपटे रहते हैं, क्योंकि भुजंगों को, सर्पों को जो है चंदन की सुगंध बहुत प्रिय है, तो इसके ऊपर लपेटे रहते हैं और अपना विष जो है डालते रहते हैं, लेकिन उस विष का प्रभाव है चंदन पे नहीं पड़ता, क्योंकि वह उसका धर्म है और उसकी सज्जनता उसका धर्म है। तो भाई और बहनों, जिसका जिसका स्वभाव है, जैसे आत्मा है तो आत्मा तो चेतन है, चेतनता उसका धर्म है, चेतन अविनाशी है वह उसका धर्म है, जड़ है वह अचेतन है, निर्जीव है, उसमें नो फीलिंग नो सुख दुख एट ऑल, तो वो गलन मिलन धर्मा है, वो वर्ण गंध स्पर्श वाला है, वह उसका धर्म है। हम चेतन को अचेतन नहीं बना सकते, अचेतन चेतन कभी भी नहीं हो सकता है, मिक्सचर होकर के हमारा शरीर की तरह मिश्र चेतन बन सकता है। धर्म की तीसरी परिभाषा आत्मशुद्धि साधनम धर्म, एक ऐसा साधन जिसे आत्मा की शुद्धि होती है, यानी राग द्वेष को घटाने वाला साधन है वो धर्म है। इसीलिए कहा जाए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मनुष्य का जो ये शरीर है वो धर्म करने का साधन है। और ये भी कहा है शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर ये व्याधि का मंदिर है, क्योंकि यह
वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, ये गलन मिलन धर्मा है, तो व्याधि होगी। चेतना में कोई व्याधि नहीं होगी, क्योंकि चेतना तो अविनाशी है, मूल चेतना तो अरूपी है, और वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख वाला है, तो उसमें दुख होने का प्रश्न ही नहीं है, उसका विनाश होने का प्रश्न नहीं है। वो तो भूत भविष्य वर्तमान में अविनाशी रहता है, सच्चिदानंद रहता है। सच्चिदानंद का होता है, सत का मतलब अविनाशी है आत्मा, चित का मतलब है कि ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है, और जो है उसका गुण है वो आनंद देना उसका गुण है। तो भाई और बहनों, ये तीसरी परिभाषा हो गई। तो इन सब परिभाषाओं को करने का अर्थ ये होगा कि धर्म जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं कराता, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है, धर्म ब्लडशेड नहीं कराता, धर्म अफीम नहीं है। लेकिन जो मान्यता बन गई, क्यों बनी, वो मैं आपको कारण बताता हूं। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण है कि ये केला है। अब केले के छिलके बिना भीतर का मीठा गुदा नहीं रह सकता, और गुदे के बिना केला छिलका नहीं होता। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को मिलकर के केला बनाते हैं, और हम छिलके को फेंकते हैं। क्या हम छिलके को खाते हैं? नहीं खाते, हम तो उसके भीतर का जो मीठा गुदा है वो खाते हैं। तो ये जो साधन है, छिलका अनुपयोगी नहीं है, क्योंकि छिलके बिना तो गुदा रह ही नहीं सकता, वो तो सड़ जाएगा, बनेगा ही नहीं है। हर एक चीज का छिलका मतलब स्पर्श इंद्रिय बिना, सबसे पहली इंद्रिय हमारी स्पर्श इंद्रिय है, उसके बिना कोई भी जीव जो है जीवित नहीं रह सकता, और पहली है वो, फाउंडेशन है वो, चमड़ी हमारी पहली चीज है। तो भाई और बहनों, ये जो गुदा है वह तो अमृत है, और वह हम खाते हैं, और वह अमृत है वही धर्म है, और जो छिलका है वो संप्रदाय है, वो साधन है। हमारे इस पूरी दुनिया के अंदर 8 तरह के धर्म हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिक्किज़म, जैनिज़्म, जोरास्ट्रियन, और जो है जुडाइज़म। ये 8 तरह के धर्म हैं, और 8 तरह के धर्मों का वर्गीकरण है।